करोली बाबा की जय। एकदम पहाड़ों के बीच में ही है एकदम, और आजू बाजू पूरे पहाड़ी पहाड़ है, मतलब दो दो किलोमीटर लाइन लगता है। यूके की अभी पहली राइड चालू हो गई है। अपना धर्मेश भाई, देवेश भाई, संजय भाई, कुणाल भाई और ललित भाई। बंडी भाई को मिस किया हम लोग। हाँ, इधर क्या पहाड़ है, क्या व्यू है, एक नंबर। ये देखो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ठंडी पहला राइड एकदम। कैसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है पे बस जाया जाए, घर लेके यहाँ पे बस जाए, ऐसा लग रहा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं फोन बंद करके ये कैमरा मेरा साइड में करके मस्त माहौल का मजा ले रहा हूँ। बस फ्रेश हो गया माइंड एकदम, मतलब सबको आना चाहिए कभी ना कभी, काम धंधा छोड़ो, घूमो फिरो, मजा आ गया भाई, और कुछ नहीं बोलूंगा। हवा आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब मत करोगी। लाल भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है गाइस, 5000 में कुछ नहीं जाता, मजा मिलता है, आनंद मिलता है 5 दिन के लिए, आ जाओ घूम लो, बस ट्रैवल का मजा लीजिए आप तो। परिंदे, काश कि हम परिंदे हो पाते, जिसे ना मुल्कों की खबर ना ही सरहद का रुकावट, जहां मन चाहे वहीं उड़ चले, नदी समंदर पहाड़ पर्वत यही होता बसेरा, जहां अच्छा लगे वहीं बना लेते डेरा, न रात का डर ना सुबहों का फिकर, पता ही ना चले कब खोला था। ऊपर जाते जा रहे हैं और हवा ठंडी हो रही है गाइस, धीरे धीरे ठंड लगना शुरू हो गई है। ऑक्सीजन होटल लेके चलो वरना गर्म, और ये कुणाल की वजह से गाड़ी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है गाइस। फिर ये नॉट रिलीज हो गया, नाइट्रो रिलीज कर रहा है ये गाड़ी में। मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता नहीं मैं होटल तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि इस वातावरण में मुझे ऐसा लग रहा है, ठंडे वातावरण में मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है। ये हमारे कुणाल भाई एक बंद के ऊपर बंद छोड़े जा रहे हैं बस, और ये देखिए बाहर का व्यू, स्कूल कल सुबह फिर यहाँ से निकल चलिए नैनीताल के लिए, पूरा नैनीताल में अपना लेक में और इधर मंदिर में जितना टाइम स्पेंड करना है वो कीजिए, उसके बाद नैनीताल साइड सीन के लिए निकल जाइए। नैनीताल साइड सीन करते हुए शाम को अपना लाल गोवा कीजिए। लाल गोवा उधर से कितना दूर है? घूम तक वहाँ तक लंबाई पड़ेगा था शाम, मतलब ये लगाइए आप सुबह होटल से अगर निकलते हैं 9-10 बजे से पहले आप नहीं निकल पाएंगे होटल का। नहीं, कैंपिंग से निकलेंगे तो पूरा दिन घूमना पड़ेगा। 9-10 बजे भी निकलते हैं तो आप मान के चलिए 8 बजे का ट्रेन आप तक 6-7 के बीच में आप सब हो जाएगा, स्टेशन पहुंच जाइए रेलवे स्टेशन, क्योंकि हिल में ऐसा होता है, हिल में अगर आपको कोई प्लेन से गाड़ी पकड़ना है 1-2 घंटा पहले लेके चलिए, क्योंकि कभी कहीं क्योंकि कुछ स्लाइड हो गया कुछ हो गया, तो इसलिए समय को 2 घंटा पहले लेके चलिए। कितना बजे का ट्रेन है आपको? 8 बजे का, 8:50
में गाड़ी खड़ी है, तो अंकल बोले कि होटल में मत ना हो तुम लोग, बोलते हैं कि इधर ना हो, तो इधर व्यू तो देखो तुम लोग सिर्फ। और ये नदी है, वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे फ्रेश हो जाओ एंड यहाँ से सीधा मंदिर चले जाओ फिर होटल चले जाओ। तो कपड़ा तो लेते हैं कि नहीं? कपड़ा लेके आते हैं ऊपर में। हाँ हम लिख जा रही है तो अंडरवेयर भाई, बहुत ठंडा पानी है। भाई मजाक के अलावा पूरा इतना ठंडा पानी है ना भाई, मैं चिल्ला भाई चिल्लाने का नहीं देगा ना फिर भी चिल्ला देगा वो भाई। फ्रेश हो गए भाई, इधर ही रहना मुझे, मुंबई नहीं आना तुम लोग जाओ। पानी कितना साफ है देखा, इधर खड़ी है भैया, पानी साफ है देख कितना। बाबा के दर्शन करने पानी हद से ज्यादा ठंडा है। ये हमारे दो नए दोस्त मिले हैं यहाँ पे भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कल आपकी वीडियो यूट्यूब पे है? आप लोग किधर आए? दर्शन के लिए आए? अच्छा घूमने, मजे इंजॉय। हम लोग मुंबई मलाड जाओ, तुम लोग जाओ उधर। चलो भाई ओवर बस। अंकल जी बहुत मजा आ गया, वाले बता रहे हैं ना यहाँ पर लड़कों ने बहुत बवाल करा है। अच्छा काफी करके यहाँ मना कर रहे हैं ना, पुलिस वाले आ करके। अच्छा चटपट नहा करके ठीक है हो गए, वो दो मिनट बता गए जो बात कर रहे हैं फाइनल। चलो भाई लास्ट वाला, लास्ट हाँ लास्ट नहा के अभी सीधा मंदिर में। मजा आ गई अभी थोड़ा फ्रेश हो गए, अभी फुल कपड़े विपड़े पहन के रेडी एकदम भाई। ये मंदिर है बड़ा प्यारा, सजा है कैची धाम, जपो सब नीम करोली ना, बड़ा प्यारा सजा है कैची धाम, जपो सब नीम करोली ना, चलो प्रभु दर्शन देंगे कष्ट सभी हर लेंगे, चलो सब दर्शन को बाबा के दर्शन को, चलो सब दर्शन को बाबा के दर्शन को, नीम करोली जय बाबा, नीम करोली, नीम करोली जय बाबा, नीम करोली। हो प्रभु इच्छा से बजरंग
राम भक्ति में बाबा राम राम धुन ही हो प्रभु इच्छा से बजरंगी बाबा रूप में आए राम भक्ति में बाबा राम राम धुन ही गाए बाबा कौशिक हमारा कौशिक हनुमान चालीसा पढ़ रहा है अभी भी मैं भाई ये नीम करोली बाबा का मंदिर है एकदम पहाड़ों के बीच में ही है एकदम और आजू बाजू पूरे पहाड़ी पहाड़ है तो मतलब हम लोग तो ऑफ डे पे आए तो ज़्यादा इतना गर्दी नहीं है यहाँ पे पूरा ऐसा लाइन ही लाइन लगता है ये जो रस्सी देख रही है पूरा लाइन का लाइन लगाते हैं मतलब दो दो किलोमीटर लाइन लगता है पीछे देख रहे कौशिक शायद घुमाओ ना बहुत ऐसा गाड़ी अभी हमारे कौशिक भाई जरा कौशिक भाई और कुणाल भाई थोड़े शॉपिंग में लगे हुए तो आप उन्हें देख सकते हो कि बातें चल रही है इनको लाया क्या हुआ हैवी है क्या अरे हाँ रे कितने का बोल रहे कुछ कितने का अंकल 300 का प्राइस बोला गया है क्या कुणाल भाई ज़्यादा है कि ठीक है पता नहीं ये और भारी होगा ना गदा के जैसे एकदम वजन दिख रहा है परचेज करने के लिए यहाँ पर हमारे भगवान बाबा की फ़ोटो यहाँ पर छोटी छोटी फ़ोटो जो बड़ी फ़ोटो नहीं ले सकते वो छोटी फ़ोटो भी ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग डिज़ाइंस में